কোন ফালোবা এনি আমাক ভুলি কৰিছো সো ফাইনালি ইয়ার মেরে কো রিপোর্টস মিল চুকি হে वैसे हम शॉर्टकट करके तो आए थे बट हाँ पुलिस हमको जाने नहीं देगी। देखो यार भाई लोग सभी लोग प्रोसेशन देखने के लिए इधर खड़े हुए हैं, लग रहा है मेरे लिए खड़े हुए हैं भाई साहब। खेत में चिड़िया भगाने का चीज है ये। वाओ सो हे व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कल भी मुझे तो वो रिपोर्ट नहीं मिला था थाने से, तो आज 9:30 बजे बुलाया, तो आज 9:30 बजे जाते हैं, देखते हैं आज भी मिलता है कि नहीं। Five minutes later. So finally मुझे थाने से फोन आ गया है कि अबे बच्चे तू वो रिपोर्ट लेके कब जाएगा? तो मैं बोला सर मैं तो कल आया था लेकिन आप नहीं थे, तो मैं अभी आऊँ क्या? तो बोला हाँ आ जा, लेके जा अपना रिपोर्ट। तो चलिए लेने जाते हैं रिपोर्ट अपना। Moments later. So finally यार मेरे को reports मिल चुकी है, अभी आगे का process मैं कर सकता हूँ। वैसे आज यहाँ पे बिहू का procession है तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सब document जो है वो document मेरे को घर पे या कहीं पे तो रखना पड़ेगा, लेके घूम तो नहीं सकता ना। वैसे अभी घर पे जाना है और सुबह से कुछ भी खाया नहीं है और टाइम हो रहा है अभी 11:54, तो भाई जल्दी से खाना पीना खा लेता हूँ उसके बाद फिर निकल के आऊंगा, क्योंकि procession है तो ये सब देखने के लिए तो आना पड़ेगा ना। अच्छा यहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है इन लोगों की, ये देखिए प्रोसेशन के लिए कुछ कुछ गाड़ियाँ जा रही है। प्रोसेशन बोले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, मतलब कोई कोई अपना जो क्रिएटिविटी होता है वो गाड़ियों पे ऐसे बैठ के जाते हैं और लोगों के सामने मतलब प्रदर्शन करते हैं, समझ रहे हो? अच्छे से दिखाऊंगा बाद में, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ घर के लिए। वाह वैसे आगे बहुत ही ज्यादा भीड़ आप लोगों को दिख रही होगी, तो वही है इसे हो रहा है प्रोसेशन। भगवान जाने हमको जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोसेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो मे भी हमको इधर ही वेट करना पड़ेगा। हाँ पुलिस हमको जाने नहीं देगी, तो हम एक काम करते हैं घूम के चले जाते हैं। वैसे हम शॉर्टकट करके तो आए थे बट यहीं पर भी हमको भीड़ मिल गई है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे होती है बोहागी बिहू का प्रोसेशन, जो कि देख सकते हो बहुत ही ज्यादा लंबी है यार। इधर अगर रुक के मैं वीडियो बनाने लग गया तो भाई बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी वीडियो। और यहाँ पे मतलब असम के जो जितने भी जैसे कि आसामीज, बोडो, मिसिंग, खासी, तिवा, मतलब जितने भी हैं सभी लोग इधर पे मतलब आते हैं और यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। और क्योंकि बोहागी बिहू ही आसाम की मतलब सबसे बड़ी बिहू होती है, अलग अलग टाइप के आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे लोग।
इतनी लंबी प्रोसेसन है यार, कब खत्म होगी भगवान जाने। हमको आगे पहले से निकल जाना चाहिए था। देखो यार भाई, लोग सभी लोग प्रोसेशन देखने के लिए इधर खड़े हुए हैं। ओ माय गॉड, लग रहा है मेरे लिए खड़े हुए हैं भाई साहब। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ভাবিবা তুমি মনলৈ আহিলে দেউলা হবাহি পৰি দুখতে, নাৰাখো দুখতে ৰাখিম সুখতে, সদায় থমে উপচাই হাঁহিৰে। মই নাজান নহয়নো ধন টকাৰে, নহয়নো অলংকাৰে, মাথো মোৰে হৃদয়ৰ একা জৰি মৰমে। चलिए जी, प्रोसेशन देखना हमारा भी खत्म। हम यहाँ से कल्टी मारने के लिए अभी देख रहे हैं। आज तो वो आदमी भी बाहर निकल के आया है जो घर पे पड़ा हुआ रहता है, कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता है। वो भी आज बाहर निकल के प्रोसेशन देखने के लिए आया है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है यार आसाम का, आपको पता ही होगा। बिहू इज द बिगेस्ट फेस्टिवल इन आसाम। 5 minutes later. Actually, एक बार देखिए मेरा मन नहीं भरा, तो इसलिए मैं फिर से देखने के लिए उनसे आगे आके यहाँ पे रुका हुआ हूँ, और अच्छे से देखूंगा। মনা জানো later. वैसे घर के लिए रवाना हो रहे थे, बट भीड़ हमें जाने नहीं देंगी इतनी जल्दी। वैसे 3 बज चुका है ऑलरेडी, वैसे नॉर्मली लगते नहीं है, अगर ऐसे कोई प्रोसेशन या कुछ ऐसा होता है तभी हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जाम होता है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है। कौन फलो पा अकोले से बुरे फंसे यार। ये बस अगर इधर से निकल जाए तब हम लोगों को जाने को मिलेगा।
बट ये बस को ही नहीं जाने दे रहे ट्रैफिक पुलिस वाले, तो कैसे जाएंगे यार। चलिए थोड़ा सा शॉर्टकट मार लेते थे। ओफ ओफ ओफ, फाइनली हमको थोड़ा सा रास्ता मिला है। चलिए जल्दी से भगाते हैं, इधर से निकलते हैं, लेकिन ये रोड हमको भगाने नहीं देगी। वैसे जो सोचते हैं वो तो कभी होता नहीं है, तभी से भीड़ के बीच में ही चलना पड़ रहा है। ऊपर से ये बड़ी सी बस देखो, खंबे जैसे साला, तब से मेरे को अपने पीछे दबाए हुए चल रहा है यार। थोड़ी सी आगे चलने के बाद हमको खाली सी मिली गई, तो हम भगाएंगे। बाइक भी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है यार। वाह, ऐसे भीड़ के बीच में से निकल के भगाने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है भाई। अगर आपने मेचुका वाली सीरीज देखा है तो मैं बोला था कि एक शू है, एक शूज लेके मैं पवित्र को दिया था, तो वही शूज लेके फिर से वापस करना है। आज तक मैं कर ही नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे बारिश का सीज़न चल रहा था, है ना। बारिश का सीज़न चलने के कारण से शूज़ तो भीगा हुआ था और सूखा नहीं था, और ऐसे भीगा हुआ शूज़ मेरे को देने में अच्छा नहीं लग रहा था। 5 minutes later आई होप कि बुद्धदा घर पे हो, बट लगता है कि नहीं है, नहीं है। इसके कारण से हमको ये डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। बुद्धदा से ना दुकान ए जूता जोर लोई लो भ्रमण कर के शुकान ना मैं दिया ना, ठीक है गई थको मैं। स्टार्ट नहीं हो रहा था यार, डर गया मैं, क्या हो गया। बुद्धदा के घर पे शूज को मैं रख दिया, और अभी ऐसा छोटा मोटा कुछ भी काम है नहीं, सिर्फ पैकिंग करना है और कल निकल के जाना है।